अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हालचाल है? ठीक ठाक, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो कुछ इस तरह से है कि हमारा प्रोग्राम बन गया लाहौर जाने का रोड ट्रिप बाइक पे। तो आज का ब्लॉग जो है वो मुतलक है लाहौर ट्रिप की तैयारियों के मुतलक, जो हम लाहौर जाने के लिए तैयारियां करेंगे। सबसे पहले उसमें आती है बाइक। बाइक पे जाना है तो बाइक पहले आएगी। बाइक का हमने चेक करवाना है, उसका हवा वगैरह टायरों की चेक करवा लेनी है, और मैंने फ्यूल वगैरह डलवा लेना है। और मेन जो चीज़ है बाइक की उस पर है पवेलियन सीट। जो उसकी पवेलियन सीट है ना वो बहुत हार्ड है, तो उसमें बंदा आधा घंटा भी सफ़र कर ले तो उसकी हिम्मत होती है। तो उसके लिए मैंने सीट तैयार करवाई है, तो वो सीट लगाएंगे उसको और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने वो सीट तैयार की है। ये एक टेम्पररी सीट है, ये परमानेंट हल नहीं है, वैसे टेम्पररी सीट है जो कि इस्तेमाल की जाएगी। गाइस देखिए मौसम आज दोबारा कितना प्यारा हो गया, बादल आए हुए हैं, हवा चल रही है। वो मेरे पीछे से आपको पता नहीं नजर आएंगे ना, काला बादल है वो आ रहा है। तो रोड ट्रिप के काम तो वो रहते हैं, तो कुछ घर के काम भी रहते थे तो वो भी करने ज़रूरी हैं। उनमें से एक ज़रूरी काम है आटा, दाने देने चक्की पे आटा पीसने के लिए, तो अभी वो करने आया हूँ। दाने मैंने उठा लिए हैं और कपड़े वगैरह भी गंदे कर लिए हैं, तो अभी जाते हैं चक्की, ये दाने दे के आते हैं। उसके बाद आगे मैंने घर के कुलाक है वो खराब है, वो ठीक करूँगा, तो फिर बताते हैं आगे का सीन क्या है। भाई अपनी बाइक निकाल ली है, हवा वगैरह चेक करवाने जा रहा हूँ। तो ये हमारे भाई, छोटे भाई, भाई हफीज भाई देते हुए। तो अभी मैं हवा चेक करवाने जा रहा हूँ और फ्यूल इसमें डलवा लेंगे। तो क्लॉक वगैरह अभी ठीक नहीं किए मैंने, तो अभी चलते हैं फ्यूल वगैरह डलवा के आते हैं। अभी हम आ चुके हैं हवा चेक करवाने में और हमारे पीछे यहाँ पे पंप है, तो यहाँ से पेट्रोल फिल करवाएंगे। मैंने चेक करवा लिया है टायरों की, और फ्यूल जो है मैंने उसका डलवा लिया है फैसलाबाद तक जाने के लिए, और जाने जो है मैं चक्की पे छोड़ा हूँ। अभी घर आया हूँ तो घड़ियाँ खराब है घर की, तो अभी वो मैं ठीक करने लगा हूँ। घड़ियाँ आप देख लें कितनी ऊपर है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुर्सी रख ली है। काम तो खतरनाक है लेकिन करना तो होगा। इसके सेल हो जाते हैं कमज़ोर, तो अभी इसका सेल चेंज करेंगे। टाइम अभी बच चुके हैं तकरीबन 7:30 हो चुके हैं, तो घड़िया अब टाइम बता रही है तकरीबन 6:40, तो इसका सेल वगैरह चेंज कर देते हैं। सेल चेंज हो चुका है घड़ी का, और टाइम क्या हो रहा है, घड़ी का जो टाइम है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, 7:30 हो चुके हैं। टीवी पे ही यही टाइम आ रहा है, तो टीवी के मुताबिक हमने टाइम कर लिया। अभी इसे मैं फिक्स कर देता हूँ। घड़ी फिक्स हो गई है।
सारे काम जो घर के थे वो भी हो चुके हैं, तो सारे काम हो चुके हैं, तो ये भी सीट भी थी ये भी हमने बना ली है। तो इसके साथ ये मैंने लगा दिया तनिया, क्योंकि सीट के साथ इसे बांध देंगे ताकि ये फिक्स रहे उसके साथ। तो ये आपको सुबह दिखाएंगे कि कैसे हम बांधेंगे सीट के साथ। तो ये वैसे हमने टेम्पररी तैयार की है पवेलियन सीट के लिए। तो अभी रह गया बैग वगैरह तैयार करना कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, कपड़े कौन से लेके जाने हैं, तो वो तैयार करते हैं अभी। तो ये है जी रोड ट्रिप का सामान। तो अभी हम छोटे से यूट्यूबर हैं, अभी तो यूट्यूब स्टार्ट की है, तो अभी से इतना सामान जो है वो साथ लेके जाना पड़ रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हमारे पास है। तो एक बात जो है मुझे फील हो रही है कि बुरी बात है कि जो कि नहीं होनी चाहिए थी, कि मेरा जो GoPro का जो वो माउंट था हेलमेट के लिए, तो वो अभी तक वहाँ से शिप ही नहीं हुआ, तो पहुँचेगा पता नहीं कब। तो हमारा रोड ट्रिप प्लान हो चुका था पहले, तो मैंने सोचा था कि शायद रोड ट्रिप से पहले पहले वो चीज़ आ जाए, लेकिन नामुमकिन सी बात हो गई है। तो अभी इन सब चीज़ों के साथ हम जा रहे हैं। तो इस व्लॉग में कोशिश करेंगे अगर थोड़ा सा हम वो ले गए कोशिश कर सकें कि मोटर व्लॉग का सेटअप थोड़ा सा कर सकें, लेकिन काम मुश्किल है। तो आपको दिखाता हूँ साथ क्या क्या लेके जा रहा हूँ मैं। ये है जी एक ट्राइपॉड, एक मोबाइल का चार्जर, सेल्फी स्टिक, माइक, हेडफोन फॉर एडिटिंग, लैपटॉप का चार्जर, माउस, एक एक्स्ट्रा USB वायर लैपटॉप फॉर एडिटिंग, एक ये स्पीकर छोटा सा फॉर इंटरटेनमेंट। ये जी हमारा बैग जो कि धोया नहीं है, गंदा हुआ हुआ है। और ये जी हमारा हेलमेट। तो ये है जी प्री ट्रिप हमारी तैयारियाँ। तो आप देख सकते हैं सुबह मैं निकलूँगा तकरीबन 5 बजे यहाँ से निकलूँगा, और 6 बजे वहाँ पे अड्डे पे दोस्त पहुँचा होगा, उसको साल लूँगा, फिर हम जाएंगे लाहौर GT रोड की तरफ से लाहौर इंशाल्लाह जाएंगे। तो कोशिश होगी कि हम मिल बांट के बाइक चलाएं, क्योंकि काम मुश्किल है, एक बाइक है हमारे पास और बंदे दो हैं, तो सफ़र लंबा है। तो कोशिश करेंगे मिल बांट के चलाएं और अपनी मंजिल तक सुकून से पहुंचे, प्यार से पहुंचे और खैरियत से पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। अगर उम्मीद है आपको ये प्री ट्रिप हमारी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जो मैं लाहौर जा रहा हूँ, लाहौर के ब्लॉग्स जो होंगे मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी क्वालिटी के लेके आऊँ आपके लिए, ताकि आपको लाहौर भी देखने को मिले और आप इंटरटेन भी हो सकें उनसे। तो मेरी कोशिश होगी कि आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो आपका प्यार चाहिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मैंने देखता रहता हूँ 50% जो है मेरे अनसब्सक्राइबर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम ग्रो करें और हमारी मोटिवेशन बनती रहे। तब तक लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।